करौली में इनामी डकैत देशराज गुर्जर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस डकैत पर पुलिस की ओर से 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसपी अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए डकैत देशराज गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डकैत से एक लोडेड 315 बोर बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस दौरान वह किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। इसके खिलाफ करौली के 3 थानों में हत्या का प्रयास, फिरौती, चौथ वसूली, उद्यापन डकैती, मारपीट के 3 संगीन मामले दर्ज हैं। एसपी ने कहा कि डकैत गुर्जर को गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यों को नगद इनाम प्रशंसा पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। करौली जिले में 3 मुकदमों में जो हमारा वांटेड था, और ये बेसिकली जो मतलब बैजू गैंग है, बैजनाथ का गैंग का मेंबर है, और पौंड पुलिया के पास में जो पुलिस की हमारी नाका जो हमारी एडीएफ टीम है वो जो वहाँ पर नाकाबंदी कर रही थी, तब ये आदमी उनके साथ टकरा गया। उनको देख के भागा ये, तो उसको मैं राउंड अप किया। 315 बोर का कट्टा और 3 कार